फॉर्मूला एक याद रखना, टी आर माइनस टीई इज इक्वल टू प्रॉफिट। इस स्टेटमेंट को बनाते हुए हम ये माइंड में रखेंगे कि टोटल रेवेन्यू, टी आर मीन्स टोटल रेवेन्यू एंड टीई मीन्स टोटल एक्सपेंसेस, दोनों के डिफरेंस को हम लोग प्रॉफिट कहेंगे। अभी नहीं लिख सकती मेरी क्लास है, हाँ आऊंगा। टोटल रेवेन्यू कैसे लिखना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज योर सेल। इसके अलावा कोई और इनकम है फर्म को? कैन यू टेल मी एनी वन एग्जाम्पल ऑफ एनी अदर इनकम विच अ फर्म और अ कंपनी कैन अर्न? सेल ऑफ ओल्ड एसेट डन, एनीथिंग एल्स? इंटरेस्ट रिसीव्ड, बिल्कुल ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सो दैट इज टू बी इंक्लूडेड अंडर अदर इनकम। डन, दोनों इनकम्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? टोटल इनकम। आपकी बुक में ऐसे ही वो नंबरिंग देता है, नंबर वन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नंबर टू अदर इनकम, दोनों को ऐड करेंगे टोटल इनकम आ जाएगी, या वो इसे टोटल रेवेन्यू कहता है। बुक में रेवेन्यू है, हम रेवेन्यू ही करेंगे क्योंकि मैंने भी यहाँ पे टी आर ही लिखा पहले, ठीक है। सो वी विल बी कॉलिंग इट टोटल रेवेन्यू। उसके बाद एक्सपेंसेस की एक लिस्ट है और सीक्वेंस में एक्सपेंसेस है, सेवन है मेरे को लगता। सो आई विल बी टेलिंग यू द वे हाउ द सीक्वेंस कैन बी लर्न। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, आपने कितना मटीरियल इस बार यूज किया है, और इसका एक फॉर्मूला होगा ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, एंड दिस वी विल बी अप्लाइंग फॉर रॉ मटीरियल, ठीक है। एनपीओ का अगर थोड़ा बहुत याद हो तो कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड वहां पे सिखाया था, कितना आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, कितना आपने नया खरीदा, दोनों को एड कर दो, बीच में से क्लोजिंग माइनस कर दो। सो वी विल बी अप्लाइंग अ फॉर्मूला ओवर हियर, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, देन परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो रेडीमेड सामान आपने खरीदा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड का मीनिंग क्या बताया था मैंने कल? इन्वेंट्रीज कैन बी ऑफ सो मेनी टाइप्स, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ स्टॉक इन ट्रेड? दिस इज दैट मटेरियल व्हिच वी बाय टू रीसेल पर्पस या टू रीसेल। ये वो सामान है जो बना बनाया मैं खरीदती हूँ आगे बेचने के लिए, सो दैट स्टॉक इज आर स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। और उसकी अगर आपने नई परचेज करी है, दैट यू विल बी राइटिंग ओवर हियर। अगला टॉपिक कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, चेंज इन इन्वेंटरी। कहां पे डिस्कस किया? यस, चेंज इन इन्वेंटरी, दैट इज द डिफरेंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। वहां पे चेंज इन इन्वेंटरी आया था, जब हम लोगों ने डिक्रीज इन इन्वेंटरी था तो ऐड किया था, इंक्रीज इन इन्वेंटरी होता तो मैंने बोला था माइनस करेंगे जीपी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। सो चेंज इन इन्वेंटरी, अब इन्वेंटरी क्योंकि कितने तरह की है, चेंज इन इन्वेंटरी कहता है, ये इन्वेंटरी आपकी रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, ये इन्वेंटरी आपकी वर्क इन प्रोग्रेस की भी हो सकती है, ये इन्वेंटरी आपकी स्टॉक इन ट्रेड की भी हो सकती है, फिनिश गुड्स की भी हो सकती है। सो द वे ही विल बी गिविंग मी द इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, द सिमिलर मैनर आई विल बी कैलकुलेटिंग चेंज इन इन्वेंटरी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, इट विल इंक्लूड वेजेस एंड सैलरीज, इट विल इंक्लूड ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द लाइफ ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए जो भी खर्चे एक कंपनी पे करेगी, दैट इज टू बी इंक्लूडेड अंडर दिस हेड। ये हेड बनेगा, वो आपसे पूछेगा वेयर डू वी शो वेजेस इन आर स्टेटमेंट ऑफ P&L, योर मेन हेड इज एक्सपेंसेस एंड सब हेड इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। वेयर डू वी शो सैलरीज, मेन हेड इज एक्सपेंसेस एंड सब हेड इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, राइट। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आगे चलते हैं, फाइनेंस कॉस्ट, नेक्स्ट आई मस्ट राइट इट हियर, फाइनेंस कॉस्ट नेक्स्ट सीक्वेंस, दिस विल इंक्लूड ऑल दोज एक्सपेंसेस विच यू इंकर टू रेज द लोन फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से लोन लेने के लिए जो भी खर्चे आप पे करते हो, वो आपकी ब्रोकर की कमीशन हो सकती है, वो कोई लोन के फाइल चार्जेस हो सकते हैं, वो इंटरेस्ट पेड हो सकता है, इवन डिविडेंड पेड is also to be included under finance cost, because you are acquiring the capital from the market in the form of equity and preference, and in return you are paying dividend to them, so that is your finance cost which you incur on the sources of finance. Aapse wo puchega dividend paid, where do we show? Main head is expenses and the sub head is finance cost.
interest paid, where do we show it? Expenses is the main head and the subhead is finance cost. Last but not second last, depreciation and amortization. Depreciation is the reduction in the value of fixed tangible assets and amortization is the writing off of intangible assets. So depreciation ho chahe amortization ho, like patents right return off, goodwill return off, where do we show it? Main head is expenses and the subhead is depreciation and amortization. Kehta 1 2 3 4 5 6 heads ke ilawa agar koi aur expense hai to use other expenses mein dal do. And that is our seventh head, other expenses. If anything is being left and that is not being covered under the first six heads, that is to be written under other expenses, right? Yes. अब मैंने बोला था कि हमें एक सीक्वेंस को लर्न करना है, सो आई विल राइट लाइक दिस, सीपीसी ईएफडी, याद हो जाता है आसानी से. सी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि सीक्वेंस में लर्न करना है. पी परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, अगले सी का चेंज इन इन्वेंटरी, याद हो जाता है. अगला तो है ही बहुत आसान, ईएफडी. बोलो, ई का मतलब एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, एफ का मतलब finance cost, G का मतलब depreciation and amortization. This sequence you have to learn. CPC, EFD. And अगला last तो बता ही होता है O. O का मतलब क्या है? Other expenses. ठीक है? जैसे ही सारा कुछ लिख लिया, सारे expenses का total करना है, आपने उसे बोलना है total expenses. Total revenue आप पहले कर चुके हैं, total expenses को fourth number दे दीजिए. दोनों का difference क्या होगा? दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इफ टोटल रेवेन्यू विल बी मोर देन टोटल एक्सपेंसेस, दैट विल बी प्रॉफिट, एंड यू नो दैट प्रॉफिट विल बी बिफोर टैक्स. अगर क्वेश्चन में टैक्स दे रखा है तो टैक्स भी माइनस कर देंगे, तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा. सो दिस इज अ सीक्वेंस, वेरी इजी. इफ आई कंपेयर इट विद बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के कंपैरिजन में यहाँ पे हेड और सब हेड बहुत कम है. ठीक है, एक बात मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यू आर मैन्युफैक्चरिंग बैट, स्पोर्ट्स बैट, राइट? बैट बिके बनाने के बाद, सारा फिनिश गुड्स बन गई, बैट बिके 2 लाख. अब बैट्स को बनाते हुए जो भी वो लकड़ी का बुरादा वगैरह था, स्क्रैप थी या छोटे मोटे लकड़ी के पीसेस बच गए थे, आपने उसे भी बेचा, वो 10,000 का बिका. आप मेरे को टोटल रेवेन्यू बताओ कितनी होगी? 2 लाख के बैट फिनिश गुड्स की फॉर्म में बिके और 10 लाख का वो स्क्रैप वगैरह, 10,000 का वो स्क्रैप बिका, लकड़ी का बुरादा और लकड़ी के पीसेस, वो 10,000 में बिका, हमारा टोटल रेवेन्यू कितनी है? बिल्कुल ठीक है, 2,10,000 है. सेल ऑफ स्क्रैप इज आल्सो नेम्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार वो पूछता है. सेल ऑफ स्क्रैप को कई बच्चों ने कह देना अदर इनकम है, गलत है. सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ द गुड्स इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सो दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. दिस एग्जाम्पल यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट? यू आर रनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और कोई भी स्क्रैप बचती है, आप उसे भी सेल ऑफ गुड्स ही मानेंगे. चलिए जी, क्वेश्चन करने शुरू करते हैं. पहले थोड़ी सी डिटेल मेरे को आपसे डिस्कस करनी है. 1.45 पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मीनिंग सबको पता है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? और अगर रिटर्न वगैरह है तो माइनस करनी है, आपको सिखाया हुआ. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन इटसेल्फ मीन्स नेट सेल्स. सो इफ सेल्स, कल भी बुक नहीं लेके आए थे, आज भी बुक नहीं लेके आए, कौन सा शो चल रहा है यहाँ पे? अदर इनकम. अदर इनकम में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? हैज ही गिवन द एग्जाम्पल? यस. इट इज द राइट टाइम आई शुड डिस्कस विद यू. वन कंपनी इज फाइनेंस कंपनी, कंपनी की नेचर होती है. एक कंपनी फाइनेंस कंपनी है और दूसरी कंपनी नॉन फाइनेंस कंपनी है. दोनों में डिफरेंस क्या है? आई एम रनिंग अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आई एम नॉन फाइनेंस कंपनी. PKF, PKF, पंजाब एंड कश्मीर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ऑलरेडी एक्सिस्टिंग इन द मार्केट, सोसाइटी में है PKF, वो फाइनेंस कंपनी है. जो लोगों को लोन वगैरह देने में और उनकी फाइनेंशियल हेल्प करने में डील करती है वो फाइनेंस कंपनी होती है. जो मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल का बिजनेस करती है वो नॉन फाइनेंस कंपनी है. ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट मिले एज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेरी क्या है, कौन सी इनकम? मेरे को इंटरेस्ट मिले अपने डिपॉजिट्स के ऊपर या डिबेंचर्स के ऊपर, तो वो मेरे लिए क्या है?
अदर इनकम ना, ठीक है। फाइनेंस कंपनी के लिए वो इंटरेस्ट मिलना क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्योंकि वो उस बिजनेस में डील करती है भाई, ये डिफरेंस है दोनों में। फाइनेंस कंपनी इज लाइक वर्किंग लाइक अ ब्रोकर एंड प्रोवाइडिंग द हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प टू अदर्स, लोन देती, ब्याज पे पैसे देना, मतलब मनी लैंडिंग का बिजनेस है, ठीक है। उसको अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलेगा तो वो क्या है, उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। देखो ये लिखा हुआ है कहीं पे पैराग्राफ में, अदर इनकम मीन्स इनकम अर्नड बाय कंपनी फ्रॉम इट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एग्जांपल्स आर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपको प्रॉफिट हुआ आपने अपने पुराने एसेट बेचे, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, आपने ऑलरेडी कोई प्रोविजन ज्यादा बना लिया था उसे खत्म करना है तो वो भी आपका अदर इनकम में आएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड नीड नॉट टू एक्सप्लेन, मरा हुआ पैसा अगर रिकवरी हो जाती है तो अदर इनकम में आएगा, इंटरेस्ट अर्नड ऑन एफडी विद बैंक्स बाय नॉन फाइनेंस कंपनी, ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, अदर इनकम की। और लास्ट में आके उसने क्या बोला, इंटरेस्ट अर्नड ऑन योर बैंक डिपॉजिट्स बाय नॉन फाइनेंस कंपनी, लाइक आई टुक माय एग्जांपल दैट आई एम रनिंग अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, I am running my manufacturing concern, so I am not a finance company, I am a non-finance company, ठीक है? अगर मेरे को interest मिलता है, तो मेरी other income है, यही interest अगर किसको मिले तो, यही interest अगर किसको मिले, in case of finance company, if it is earning interest, it is earning dividend, that will be its revenue from operation, ये question आ सकता है, interest earned by a finance company, write its head, in statement of P&L, that will be revenue from operation because it is dealing in finance. ठीक है, इसका business ही क्या है? लोगों को पैसा उधार पे देना, तो उस उधार पे दिए गए पैसे पे अगर interest मिल रहा है तो क्या है? इसका business ही क्या है? Stock exchange में पैसा invest करना, तो उन investment के ऊपर अगर इसे dividend on shares मिल रहा है तो ये भी तो इसकी regular income है, because it is dealing in shares, it is dealing in stock market. They may be running the business of brokers. You are getting the point? So there is a difference of finance company and non-finance company. You have to edit. Agar kuch nahi kehta, it means ki he is asking from the viewpoint of non-finance company. If he will be asking from the finance company viewpoint, then he will be mentioning that so and so company bracket mein likhega finance company. And interest and dividend is earned by it. Then you will be treating it as revenue from operation because wo uska major source of income hai. That is its business, right? Any doubt about finance company and non-finance company? No. Okay. Let's come to the illustration number 34. Under which head following revenue items of non-financial company? Dekho, nature batata hai na? Na bhi likhta non-financial, agar kuch bhi nahi likhta, to company means non-financial company. Finance company hogi, to wo batayega. Sale kahan pe likhni hai? Sale kahan pe likhni hai? Revenue from operation. Sale of scrap kahan pe likhni hai? Revenue from operation. Interest earned kahan pe likhna hai? Other income. Dividend received hi hoga. ठीक है, पेड होता है तो वो साथ में लिखता है, और वैसे भी उसने अभी इनकम्स का हमें बताया और एग्जांपल इनकम्स के बाद बनाई है। दोनों इनकम्स क्लियर हैं, वन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इज अदर इनकम। नाउ ही विल बी कमिंग टू द डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस, राइट। पहली आइटम क्या है, ओके, एक्सपेंसेस से पहले ये भी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं हम लोग। अंडर विच हेड फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम्स ऑफ अ फाइनेंशियल कंपनी विल बी शोन, इंटरेस्ट अर्न्ड, फाइनेंस, बिल्कुल ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्योंकि उसका बिजनेस ही है लोगों को लोन देना, देन डिविडेंड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रॉफिट, ये अपना पुराना एसेट बेचेगा तो अदर इनकम है, ठीक है। आगे चलते हैं, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, आपने ज्यादा इनकम पे कर, टैक्स पे कर दिया, वो उसकी वापसी आ रही है आपको, देट विल बी योर अदर इनकम, पॉइंट इज क्लियर। टैक्स पेड क्या होगा, टैक्स पेड इज टू बी शोन सेपरेटली आफ्टर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, बताया ना, अगर टैक्स पेड वो पूछ ले तो उसका हेड क्या है, टैक्स है, तो टैक्स के अंडर आपने टैक्स की पेमेंट को क्या करना है, शो करना है। आगे चलते हैं, बॉयज अपनी बातें नहीं किया करो, मेरे को सुना करो। 36 वाला सेशन में देखो, सेल कहां पे शो करनी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स रिटर्न कहां पे शो करनी है, क्योंकि सेल और रिटर्न अलग अलग दे रखी है तो माइनस करके लिखेंगे, अगर वो अपने आप ही कहता है इट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, so that means it is already net sales. If he himself give you the detail of both the items, you need to deduct it. Or kyunki question statement of P&L ka hai, to definitely dono ko alag alag hi dekho, right? Ratio analysis mein jab main revenue from operation karwati thi, that was your net sales. 32. Sale of scrap, abhi bataya. Revenue from operation. Interest on FD, other income. डिविडेंड अर्न्ड, अदर इनकम, डन, खत्म हो गया। आगे चलते हैं,
कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स एंड टोटल रेवेन्यू. ओके, मिसलेनियस इनकम, छोटी मोटी इनकम अदर इनकम में आएगी. इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि हमारी कौन सी कंपनी है, कहां पे लिखा है? यस, पहली लाइन में लिखा है फॉर फाइनेंशियल कम. यू अर्न इंटरेस्ट बिकॉज यू लेंड मनी, आप लोगों को पैसा उधार पे देते हो. और अगर ये फाइनेंशियल कंपनी ना होती, नॉन फाइनेंशियल होती, तो इंटरेस्ट अर्न अदर इनकम होता, नेचर चेंज हो जाएगी. मैं अपनी पुरानी गाड़ी बेचती हूं तो मेरी क्या है, अदर इनकम, है ना. कार बाजार वाले जो सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदना और बेचना उनका बिजनेस है, वो अगर वो पुरानी गाड़ी बेचते हैं तो उनका क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सो दिस इज द डिफरेंस. सेम वी वर डूइंग विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर फाइनेंशियल कंपनी एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनी. ठीक है, मेरी कंपनी क्योंकि टेक्सटाइल कंपनी है, मैं वही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं इंटरेस्ट रिसीव करती हूँ तो मेरी अदर इनकम है. लेकिन अगर कोई और कंपनी मार्केट में है जो फाइनेंस में डील करती है, उसके लिए इंटरेस्ट क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. डन, चलिए अच्छी आगे चलते हैं. डिविडेंड, बिल्कुल ठीक. गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, अदर इनकम, डन. चलिए जी, नाउ ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 1.47, ही इज गिविंग अस द डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस. सो लेट्स बिगिन दैट. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मेरे वाला फॉर्मूला लगाया, ओपनिंग इन्वेंट्री बोलो प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. आपको पता है इसका लॉजिक क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अपने आप में क्या टर्म सिग्निफाई करती है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एक्सपेंसेस का सीक्वेंस सीपीसी ईएफडी ओ. पहला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, हर महीने फॉर एग्जांपल वन ऑफ यू गेट, चलो ज्यादा कर देते हैं, 4000 पॉकेट मनी. ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं, 4000 पॉकेट मनी मिलती है, पिछले महीने की भी 500 पड़ी है, ओवरऑल इस मंथ के बिगिनिंग में आपके पास 4500 इन योर पॉकेट है. डन, इस मंथ के एंड में ₹200 आपके पॉकेट में बचता है. इट मींस कि आपने यूज कितना किया, 4300. सेम क्राइटेरिया वी आर अप्लाइंग ऑन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. पिछले साल का जो पड़ा स्टॉक है उसे ओपनिंग स्टॉक में बोलता है, जो नया खरीदा है वो परचेसेस है, जो इस मंथ के एंड में बच गया वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक. तो फॉर्मूला बन गया ओपनिंग स्टॉक, वही जो पिछले महीने की पॉकेट मनी थी वो ओपनिंग स्टॉक है, जो आपको इस मंथ में मिली वो आपकी क्या है, अगर मैं स्टॉक की रेफरेंस में देखूं तो परचेसेस है, बच कितना गया. आपके पास पिछले महीने का स्टॉक था 10,000, आपने इस बार खरीदा 40,000, 2,000 अभी भी आपके पास बच गया, आपने कंज्यूम कितना किया, दैट इज योर रियल एक्सपेंस ना, दैट इज योर रियल एक्सपेंस. क्या मैं ये बोलूं कि 10,000 पिछले महीने का भी यूज हो गया और 40 का 40 भी यूज हो गया, जबकि मेरे गोडाउन में 2,000 का स्टॉक पड़ा है? हाउ कैन आई से दैट माय एक्सपेंस इज 50,000? आई विल नॉट. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला व्हिच वी कॉल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. सो दिस मटेरियल कैन बी ऑफ एनी टाइप, दैट कैन बी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, दैट कैन बी ऑफ रॉ मटेरियल, दैट कैन बी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. सो फर्स्ट सी मींस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. एनी डाउट टू एनीवन? So he can ask you to calculate cost of material consumed. So in the second example, 39th example, he has bifurcated your stock into two parts. One is material, another is finished goods. अभी मैंने बोला material can be of any type. तो आपने दोनों का cost of material consumed निकालना है. देखो दोनों का अलग अलग निकाला है कि इकट्ठा निकाला? Has he added up? No. Cost of material consumed. Opening inventory of material plus purchases of material minus closing inventory of material. Finished goods के बारे में कौन सा फॉर्मूला लगाता है? Finished goods के बारे में कौन सा फॉर्मूला लगाता है? उसकी purchases दे रखी है क्या? Finished goods की purchases थोड़ी ना होगी. Finished goods के केस में ये फॉर्मूला लग ही नहीं सकता, क्योंकि finished goods के केस में change in inventory लगेगा. फिनिश गुड्स का एक तो ओपनिंग स्टॉक होगा, एक क्लोजिंग स्टॉक होगा. फिनिश गुड्स में खरीदूंगी थोड़ी ना, वो तो मैं आप बना रही हूं. सो दिस फॉर्मूला इज ओनली टू बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ रॉ मटेरियल. जो लाइन मैंने पहले बोली है दैट इज रॉन्ग. देन मैंने बोला मटेरियल कैन बी ऑफ एनी टाइप. हाउ कैन इन केस ऑफ फिनिश गुड्स आई कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. फिनिश गुड्स तो आई माई सेल्फ इज मैन्युफैक्चरिंग, इज इट?
तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होगा और उसका चेंज इन इन्वेंट्री में आएगा, दैट इज योर सेकंड सी आफ्टर पी, वो चेंज इन इन्वेंट्री में आएगा. यस, चेंज इन इन्वेंट्री कैन बी ऑफ एनी टाइप. दैट इन्वेंट्री कैन बी वर्क इन प्रोग्रेस, दैट कैन बी रॉ मटेरियल, दैट कैन बी फिनिश्ड गुड्स, दैट कैन बी इवन स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि वो चारों केसेस में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बनते हैं. डन. सो दैट्स व्हाई ही रोट एज अ नोट कि फिनिश गुड्स का मैंने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं निकालना, फिनिश गुड्स के केस में हम चेंज इन इन्वेंट्री ही निकालते हैं. ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री में जरा मेरे को डिफरेंस बताना. बिगिनिंग का कितना का स्टॉक था? 2.5 लाख का. एंड में कितने का है? सो इज इट डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज, बिकॉज वी अप्लाई द फॉर्मूला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. व्हेन ओपनिंग इज ग्रेटर देन क्लोजिंग, दैट इज अ डिक्रीज. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग द डिक्रीज फॉर्मूला में, जहां पे रेशियो एनालिसिस में किया था तो हम इसे एड करते थे. 40th पढ़ो, रीड 40th. क्या क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम किसका निकलेगा? सिर्फ सिर्फ रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का नहीं, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस आपकी अपनी है, इसके बारे में कोई परचेस नहीं होती, इसका चेंज इन इन्वेंट्री निकलेगा. सो आई एम कैलकुलेटिंग हियर, ओपनिंग इन्वेंट्री 150, परचेसेस 15 लाख, 16 लाख एंड 50,000, 250 बच गया, आंसर इज 14 लाख. बाकी इन्फॉर्मेशन का क्या करना है? आई हैव ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, आई हैव क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? चेंज इन इन्वेंट्री. अब जरा ध्यान से सुनना. फॉर एग्जाम्पल, इसने जो भी दिया, आई एम नॉट रिलेटेड विद दैट. फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज 4 लाख, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज 5.5 लाख. डिफरेंस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है. चेंज इन इन्वेंट्री आपको नहीं लगता नेगेटिव है? चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव है ना? उस केस में स्टेटमेंट ऑफ P&L में आपने नेगेटिव अमाउंट लिखनी है इन स्मॉल ब्रैकेट. सो इट इज नॉट असेंशियल दैट एवरी टाइम योर ओपनिंग इज ग्रेटर देन क्लोजिंग. यस राइट, यहां पे क्या है? ओपनिंग इज लेसर देन क्लोजिंग, सो द डिफरेंस कम्स टू अस इन नेगेटिव. दैट चेंज इन इन्वेंट्री इज नेगेटिव. ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन इन्वेंट्री, बट इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव. Increase in inventory is going to be negative because your opening inventory is lesser than closing. So don't get confused that how it is to be dealt with. Change in inventory ki figure statement of P&L mein amount wale column mein negative mein likh de. Theek hai? So this point you have to keep in your mind. Come to the next page. 41st mein nikalo cost of material consumed. Apply the formula.